और ये हैं कुछ अच्छे, ये हैं अच्छे बच्चे जो कि पहली बार कोई हमें ऐसे कुत्ते मिले। हेलो गाइस, इट्स मी एसएस सोजा हियर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और शानदार सा ब्लॉग। क्या बोला तूने? यस सागर, जैसा कि आप जानते होंगे मेरा चैनल ये हड़पने की कोशिश में है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ब्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और बढ़िया ब्लॉग आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ। और अभी सागर घर पर आया था, तो आपने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज के ब्लॉग में काफ़ी अच्छा होने वाला है, ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है। और अभी फिलहाल शाम के कितने बज रहे हैं? अभी टाइम एक सेकेंड 6:18 बिल्कुल 6:18 हो रहे हैं। और अभी फ़िलहाल मैं और ये सागर जा रहे हैं यहीं पास में मार्केट में जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं तो उनको कल हम सुबह फीड कराने जाने वाले हैं। कल सुबह फीड कराने जाएंगे एक्टिवा से अपनी, तो एक दो बकेट में खाना पूरा प्रिपेयर करेंगे, जो भी उसमें चावल और दूध टोस्ट जो भी कुछ बनाएंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिससे कि अगर आपका भी मन करे तो आप भी ये ऐसे कर सकते हैं। तो कल सुबह हम जाएंगे और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं सामान लेने। ये बॉय इसका अलग ही सीन है। तू एक्टिंग कर रहा है? हाँ हा? नहीं शायद क्या पता नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं फिलहाल, थोड़ा वो दूध लाना है और जो भी है टोस्ट लाना है, जो भी लाना है वो सभी आपको मैं दिखाऊंगा। और सुबह 6 बजे जाएंगे, तो फिलहाल अभी चलते हैं मार्केट और फिर लेकर आते हैं सामान। कैसे हो पज्जू डॉन? कैसे हो? बढ़िया। और सब बढ़िया? बीवी बच्चे सब बढ़िया? हाँ अभी नहीं है। अरे और कहाँ जा रहे हो? साइकिल चलाओ। एक्टिवा नहीं चला रहे आज? क्या यार साइकिल, एक्टिवा बुलेट चलाओ तुम। चलो गायत्री स्टोर पर, यहीं से दूध भी मिल जाएगा और टोस्ट के पैकेट भी मिल जाएंगे। हाँ सब कुछ मिलता है यहीं पे। हमने ये सामान ले लिया है, इतना सारा सामान आपको पूरा घर पे दिखा देंगे कि कैसा हम तैयार करेंगे। तो घर पर चलते हैं सीधे। घर पर तो आ गए हैं अभी, जैसा कि आपने देखा गायत्री स्टोर गए थे हम यहीं पर पास में, तो वहीं सर हमने दूध ले लिया। दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये फिर से तैयार हो रहा है, ये देखिए। यस ये देखिए, ये पहले भी ब्लॉग में तैयार हो रहा था, ये देखो ये सब तैयार ही होता रहता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। बाल सही से सेट नहीं होते यार, क्या करूँ? सही से सेट नहीं होते? नहीं होते हैं। और जब भी मैं वैक्स वगैरह कुछ भी यूज करता हूँ तो मेरे बालों पे इफेक्ट आता है, मेरा कलर उड़ जाता है। क्या बाल सेट नहीं होते तेरे से? नहीं, इफेक्ट आता है अगर जब भी मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज करता हूँ तो। प्रोडक्ट यूज क्यों करता है? तो फिर कैसे सेट करूँ? मेरे पास शब्द नहीं है। तो आपको दिखा देता हूँ, देखो हम क्या क्या लाए हैं। ये हमने 3 किलो तो दूध लिया है, कुछ टोस्ट के पैकेट लिए हैं और ब्रेड के पैकेट। और हम बनाएंगे कैसे, अभी मम्मी चावल बनाएंगी और उसमें थोड़ी खिचड़ी भी मिक्स करेंगी, तो उसको हम एक बकेट में तैयार करेंगे। इन सबको मिक्स करेंगे, दूध को उसमें मिक्स करेंगे और फिर सुबह 6 बजे निकलेंगे। कितने बजे? 6। ये क्यों कर रहा है बार बार? हटा, ये क्या होता है 6? तो आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप भी अगर बाहर के डॉग्स को अगर खाना खिलाना चाहते हो नॉर्मल, मतलब एक दो बकेट में आपका बन जाएगा अच्छा हेल्दी फूड। तो अगर आपका इस वीडियो को देख के मन करेगा कि आप भी अगर ऐसे डॉग्स को खिलाना चाहते हो, क्योंकि डॉग्स को मारते हैं सब, मतलब कोई कुत्ता अगर आ जाए तो उसको पत्थर मारते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो ऐसे मत करा करो। और कभी कभी ऐसे करके देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं 2-3 बार कर चुका हूँ ये, पहले मैंने करा था तब मैंने व्लॉग नहीं बनाता था, तो अब मैं व्लॉग बनाता हूँ तो आपको भी व्लॉग के माध्यम से। मैं भी पिछले 5 से 6 सैटरडे से रोज कराता हूँ,
जो भी हमारे एरिया के आसपास के डॉग्स वगैरह हैं, जो भी है, मैंने पिछले 5 से 6 वीक हो गए मैंने शेड्यूल बना के रखा है कि पर सैटरडे मैं एक तो हनुमान जी के यहाँ पे जाता हूँ टेम्पल में, और उसके बाद मैं सारे डॉग्स को खाना देता हूँ, जितने भी मेरे आसपास डॉग्स होते हैं 2, 4, 6 जितने भी हैं। तू क्या खाता है? मैं उनका बचा हुआ। ओह माय गॉड, ये उनका बचा हुआ खाता है कह रहा है। तो चलो अभी का सीन बस इतना ही था, आगे फिर आपको और दिखाएंगे और कल सुबह चलेंगे फिर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो मैंने जैसा कि बोला था रात में वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि चावल बनेंगे कैसे क्या भी जो भी रहेगा। तो मैं रात में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मम्मी ने 1 बजे तक चावल बनाए थे, 3 या 4 बार में चावल बने पूरे। तो अभी मैं ऊपर ही ले आया हूँ सब मटेरियल और आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं मिक्स करता हूँ, क्या क्या मिलाने वाला हूँ इसमें। तो देखते हैं, और सागर भी आने वाला है, यहीं पास में ही रहता है, तो जैसे ही वो आ जाएगा फिर चलते हैं डॉग्स को फीड कराने। ये आ गई है हमारी सागरिया जी। ये क्या लटका के आ गया है? इसको क्यों हटाओ? ये लटका के क्या आया सुबह 6 बजे? क्या गले में लटका के आया? ये कहने सुन रहा था और सुबह 6 बजे उठते थे तो ये मेरी स्प्रिट है। तो मैं अभी वीडियो बनाने वाला था कि मैं क्या मिक्स कर रहा हूँ, इतने में ये आ गया। अब चल इसी बात पे कैमरा पकड़ ले। कितना आ जाएगा एक बाल्टी में दूध? अपन जितना लाए पूरा डाल देते हैं, अभी इसमें पानी भी तो मिक्स होगा थोड़ा, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। वो दूध तो ज्यादा हो गया। चावल से ज्यादा दूध दिख रहा है मुझे। कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस आप देख रहे हो जैसे कि ये दूध अभी मैंने कितना 2 किलो में लाया, 2 किलो में ही चावलों से ज्यादा दूध आ गया ऊपर। 2 नहीं 3, 2 उसमें डोलची का था और 1 किलो अमूल का। नहीं अभी तो 2 किलो ही मिलाया, अभी एक और रखा है, अभी 1 किलो और मिलाना है। तो अभी इस चावल को भी, इन चावलों को भी इसमें मिला देंगे। पहले इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। रेसिपी देखते जाना, भूल मत जाना। आपका अपना शेफ यज्ञदत्त शर्मा। तो अभी फिलहाल जैसे कि आपने देखा अभी थोड़े चावल रह गए हैं, और इतना देखो 1/2 बाल्टी से थोड़ा ज़्यादा मैंने मिल्क मिला दिया इसमें, क्योंकि फिर पूरी भर देता तो मिक्स नहीं हो पाता। और अब इसमें ये 1 या 2 ब्रेड के पैकेट में अच्छे से तोड़ के इसमें मिक्स कर दूँगा, बाकी के खुले रखे रहेंगे। अगर ये मटेरियल ख़त्म हो जाएगा तो हम खुले वाले उनको खिला देंगे। तो अभी 1-2 पैकेट इसमें मिक्स कर देते हैं। ये चावल जब भी आप अगर तैयार करो तो चावल आपके ठंडे होने चाहिए, इसलिए मम्मी ने रात में ही बना दिए थे 1 बजे तक। तो अभी सुबह के जैसे 5:30-6 बज रहे हैं तो ये अब ठंडे हो चुके हैं अच्छे से। तो इसलिए आप भी जब भी जाओ तो 3-4 घंटे पहले चावल बना देने, क्योंकि गर्म चावल कुत्ते बिल्कुल नहीं खाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया था। तो अभी इसमें हम रोटी मिक्स करते हैं अच्छे से, छोटे छोटे टुकड़े कर देने रोटी के। मम्मी भी ऊपर आई हैं, मम्मी उठ गई। मम्मी बहुत है। तो ये पूरा हमने बकेट भर लिया, पूरी भर गई। और अभी खोले में आपको टोस्ट भी रखे हैं और ब्रेड भी रखे हैं, दूध मिला लिया ना। अभी बस सागर को टेस्ट कराना बाकी है। सागर टेस्टिंग तो कर लो जरा। नहीं करनी, मेरा मूड नहीं है। एक दोनों तू, एक दोनों देवू, टेस्ट करके बता दो। वो तो आप करोगे यार। नहीं मैं नहीं, मैं सेफ था ना, मैंने बनाया पूरा। तो सेफ ही तो टेस्ट करता है। जब तक वो टेस्ट नहीं करेगा उसको परमिट कैसे देगा कि हाँ अच्छा बनाए? नहीं मान लो कुछ उसमें खराबी निकली तो टेस्ट करके बता दे, मैं क्यों करूँ? आपने बनाया, बोला भी था मैं बचा हुआ खाता हूँ। हाँ तो अच्छा, चल बाद में खाएगा मुझे। हाँ तो करना पड़ेगा। अरे यार ये बिहाइंड द सीन्स बात होती है, हर बात नहीं बताते। जय, तो इसके पार करके हम जा रहे हैं ऊपर और देखते हैं हमारा पहला कस्टमर, हमारा पहला डॉग कहाँ पर मिलता है हमको। तो वीडियो में बने रहना। ये देख सकते हैं, हमें एक डॉग मिला था वहाँ पे, ये देखिए जो कि भाग चुका है हमें देख के पता नहीं क्यों, हम तो उसके लिए खाने लाए। देख के भगा ये। हाँ जो भी है, मैंने पूरी गाड़ी रोक ली और भगा दी। सामने से
यहाँ पे देख सकते हैं हमें पहला डॉग दिखा है, एक तब से इतनी मेहनत के बाद एक कोई डॉग मिला है बोरा। पहला हमें कुत्ता मिल चुका है जिसको हम खाना देने जा रहे हैं, और ये है हमारे आज के पहले मेहमान। आजा, आजा, आजा। ले ले आजा। अब हम क्या ही कर सकते हैं बताओ गाइस, जब उनको खुद ही नहीं खाना, भाग रहे हैं, डर रहे हैं, सकता है ये। तो अभी हमको पहला डॉग मिल चुका है, ये देखो खा रहा है। खाले खाले बेचारे डर रहे हैं क्योंकि डरते हैं लोग, इनको मारते हैं ना। खाले तो मैंने मार दिया, देखो अब मैं दूर जा रहा हूँ, तब खाएगी ये देखो। चलो कैसा लगा उससे पूछ के तो एक बार, कहा उसको कैसा लगा? मुझे उसकी लैंग्वेज नहीं आती। तो ये डर रही थी हमसे तो मैंने वहीं पर रख दिया, अब ये धीरे धीरे खा रही है, तो अपन आगे चलते हैं अब क्योंकि अभी तो बहुत बचा है। और यहाँ पे हमें दूसरा भी मिल गया है आज का। ले ले आजा आजा ले, दो मैं लियो। चलो चलो डालो। और ये हैं कुछ अच्छे, ये हैं अच्छे बच्चे चलो। जो कि पहली बार कोई हमें ऐसे कुत्ते मिले हैं जो कि खुद भागे नहीं है बल्कि खुद आए हैं खाना खाने। ये हैं असली नीड़ी। चलो अभी हमको तीन खिलाड़ी एक साथ मिले हैं, इन दोनों ने अपना ख़त्म कर लिया है, मतलब इनको अच्छा लगा है, ये धीरे धीरे खा रहा है। दो और पकड़ के ले ले ले। अरे भाई तू इधर ही आ जा, इधर से ले ले। एक दूसरे का खा रहे हैं, वो इस पे आ जाएगा। शेयरिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इस वाले को अच्छा नहीं लग रहा, क्या कमी रह गई भाई, नमक शक्कर कम रह गया, नमक शक्कर का तो काम ही नहीं करा हमने। हाँ मीठा होता ना तो अभी खा जाते पूरा। सागर अब तू कब खाएगा? नहीं यार अभी मूड नहीं है, ये पहले इनको खिला दूँ उसके बाद खाऊंगा। पक्का? पक्का खाना पड़ेगा। तो खाएगा, ये तो खा ले पहले दोस्ती। अब दोस्ती नहीं, तुझसे तो दूर भाग रहा है, तेरे से सब कुत्ते डर रहे हैं। ये भौंक रहा है यार, तो तू पागलों ऐसी हरकतें करेगा भौंकेगा ही। तो मैं तो यार खिला दे खिला रहा हूँ। ए लड़ो मत, शेयरिंग क्यों कर रहे हो, अपना अपना खा लो यार, सबको दिया है। ये और रख दे इसमें, तो इसके में दे, ये लाल वाले में। हमने अभी तक सिर्फ पांच कुत्तों को, पांच डॉग्स को खिलाया है, और देखते हैं आगे कितने मिलेंगे। अभी तो बकेट भर रही है और बहुत है अभी तो। अभी हम पे ब्रेड और टोस्ट के पैकेट भी रखे हैं, तो देखते हैं जितने भी पहले 10 से 20 कुत्तों को खिलाएं लेकिन पेट भर के खिला देंगे, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा खिला देंगे। 100 कुत्तों को खिलाना है ऐसा नहीं है, 10 या 20 को ही खिलाएं लेकिन अच्छे से खिला देंगे। जैसे अभी ये खा रहे हैं तो अभी हम खड़े हैं, जितना ही खा लेंगे तब तब ही हम निकलेंगे। इसको अच्छे लगे बहुत, ये मेरी तारीफ कर रहा है, मज़ा आ गया। आओ 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 आजा। तो ये देखो ये डर रहे हैं, आजा आजा। तीन थे, एक तो देखो कितनी दूर चला गए, डर के डर रहे हैं ये। हाले डर रहे हैं यार ये, वही तो लो। तो गाइस देखो हम इतनी दूर खड़े हैं तब ये खा पा रहे हैं, पता नहीं क्यों डर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं इनको मत मारा करो, क्या इंसान लोग इनको मारते हैं इसलिए डरते हैं इतना। देखो हम खाना लेके आए तब भी वो हमसे इतने डर रहे हैं, अब हम इतनी दूर आए तब ये खा रहे हैं। देखो तू तो नहीं मारता? नहीं यार मार, वरना मैं खाना खिलाने आता। देख वहाँ तीन और हैं, मारना मत। किधर किधर किधर? अरे तीन थे वो चले गए उधर दो। तो यहाँ हमको चार डॉग्स और मिल चुके हैं, ये देख रहे हैं आप। एक और एक और एक और रुको दो, अच्छा एक और लगा ले। और एक बंडल खत्म हुआ। ए लड़ो मत यार, अपना अपना खाना छोड़ के दूसरे पे जा रहे हैं लड़ने। खाना कैसा बना ये तो बता दो भाई साहब, कैसा बना है? टेस्टी बना है, टेस्टी बना है ना।
तो अभी फिलहाल हम आ गए हैं डॉग्स को ढूंढते ढूंढते ग्वालियर व्यापार मेले में, और सामने आप देख रहे हो यहाँ पर, तो सामने ये देख रहे हो आप खड़े हैं, रोक लो यहीं, रोक लो रोक लो रोक आओ, मिलेगा मिलेगा। यहाँ हमको चार डॉग एक साथ मिले हैं, पांच मिले हैं, एक था वो चला गया। कैसे हो सब लोग, कैसे हो? अच्छे हैं। मेला लग रहा है इस बार? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। क्यों, अब तो बोल दिया ना मार्च से अप्रैल तक लग रहा है। अगले साल लगेगा। अच्छा टोस्ट खाओगे? टोस्ट का पैकेट दे दो। चावल तो नहीं, चावल तो हम कुत्तों के लिए लाए हैं, टोस्ट का पैकेट ले लो तुम। एक रुक जा, रुक जा, एक और दे दे। नहीं नहीं कुछ उसमें। चलो ठीक है, तो हमारे जो टोस और ब्रेड थे डॉग के लिए वो तो खैर चलेगा, बस हम पे ये चावल बचे है नहीं, देख ले यार बेटा खत्म हो गया। इसको भी देना, बाय, ले ले बाय, आ जा दे, ले ले ले, आ जा आ जा, ले चल, रुको रुको, इसको तो देखो, इसको कितना पसंद है खाना, देखो इसको दो यार, ये सीधे बाल्टी से ही खा रहा है। हाँ उधर दे, ये स्वैग, ले 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 स्वैग, अपने नाम पर डाल दे उसी में, उसमें भी डाल दे, लो क्या हो गया इसको यार। अरे भैया तू कहां से कुत्ता निकला गलत है, ये बहुत भूखा है ये वाला, येलो वाला, और डाल दे उसको, उसका पेट भर गया तभी चलेंगे, पूरा फिल कर दे अच्छे से, सही में बहुत भूखा है ये वाला, येलो वाला, इसको यार क्या हो गया। कैसा लगा भाई खाने तेरे को, रिव्यू तो दे दे मुझे, और बना के लाऊंगा फिर मैं तेरे लिए। हाँ और सबने तो खा लिया, लड़ाई झगड़े नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं। अभी जैसा आपने देखा, अभी हम मेला ग्राउंड में एंटर ही हुए थे, सामने ही गेट है, तो यहाँ पर हमको पांच छह डॉग्स और मिल गए, इनको अच्छे से पेट भर के हमने खिला दिया, और पीछे बच्चे थे छोटे छोटे वो आ गए, तो अब उनको तो दे नहीं सकते थे, डॉग्स के लिए बनाया था, तो उनको फिर हमने टोस्ट और ब्रेड के पैकेट दे दिए जो भी लाए थे हम, और बाकी के जो चावल और जो मिक्स करके बनाया था वो बचा है, तो वो और मेला ग्राउंड में आगे डॉग्स मिलेंगे उनको खिला देते हैं, फिर आगे चलते हैं अब जल्दी से। आजा 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 आजा, आओ आओ आओ, ले ले आजा, वो आ गए, ये तीन आ गए, मम्मी आ गई, इनकी मम्मी, आजा आजा, इसके गाइस आप देख रहे हो इसके कान पर लगी है, किसी ने इसको मारा है, ये देखो इस वाले के, ये पीछे से भौंक रहा है, ले आजा, ले ले आजा, चल इन महाशय को क्या तकलीफ है भाई। हाँ यार यहाँ पे हमारे ऊपर कैसे रहे हो, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे ऊपर फोर्स बनाया जा रहा है कि यहाँ से निकल जाओ, हमारे एरिया में रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, यहाँ पे लो नहीं। और सुन लो तुम सबकी वीडियो आने वाली है, हाँ। कल परसों आ जाएगी, कितने बजे तुम मेरी वीडियो में आओगे भाई साहब, ये मत करो, सुन लो चैनल नेम है आर्टिस्ट यज्ञ दत्त, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रेड कलर के बेल आइकन को ऑन कर लेना, तुम लड़ लो पहले, खाना।
खिलाने के लिए स्ट्रगल, बताओ यार। एक लास्ट स्टॉक का खाना हमने इसको दे दिया, अब पूरा खत्म हो चुका है। सही है। अभी हम घर पर आ गए हैं और जैसा कि आपने देखा कम से कम 40 से 50 डॉग्स को हमने खाना खिलाया है आज। और वीडियो में तो खैर थोड़े बहुत ही देखे हैं क्योंकि हर डॉग की वीडियो तो बना नहीं सकते, क्योंकि कभी एक मिलता है, कुछ आगे चल के दो मिल जाते हैं, तो ऐसे हर जगह हमने वीडियो नहीं बनाई। और फिर जितनी भी वीडियो बनाई थी वो सब आपको दिखाया। और जैसे मेरे इस वीडियो को 200 300 400 जितने भी लोग देखेंगे उसमें से अगर दो चार भी ये करने लगें तो करके देखना आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज़बरदस्ती है करो करो, आप खुद करके देखना, अगर अच्छा लगे तो फिर। वैसे अच्छा तो लगता ही है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर फिलहाल देवू मम्मी बैठे हैं और यहाँ पर बढ़िया बेड़े और पोहे चल रहे हैं। कैसा लगा तुझे? बढ़िया, मजा आ गया। अंजू भी हमारे साथ जुड़ सके हैं आज। कैसा लगा? खा लिए थे सब डॉगियों ने? बढ़िया खा लिया। वो बोल रहे थे बढ़िया बने, मजा आ गया लेके आना। बस नमक हल्का सा कम था और यहाँ पर तभी तो कम था उनके लिए। और आज बहुत दिन बाद नंदू डॉन हमारे वीडियो में जुड़ सके हैं। नंदू कैसा है? बढ़िया। अब आता नहीं है तो वीडियो में? अगर आप इसको नहीं जानते, जो लोग नए आए होंगे चैनल पर वो शायद इसको नहीं जानते होंगे, मैं इसके एक ब्लॉग की लिंक ऊपर दे दूंगा, ऊपर आ रही होगी, देख लेना आई बटन पे। ये इसने काफ़ी ब्लॉग बनाए मेरे साथ पहले, 7-8 बना चुका, लेकिन अभी आता नहीं है, आजकल बिजी हो गया है, कॉलेज स्कूल वगैरह खुल रहे हैं। कॉलेज? कौन सा कॉलेज? जॉब वगैरह। फिलहाल हम बेड़ा ही खाते हैं क्योंकि भूख ज़्यादा लग रही है और अभी 9:30 बज गए हैं। तो आज काफ़ी अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर दो वीडियो को, और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो लाइक कमेंट शेयर जल्दी कर दो। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।